बिहार के लोगों के लिए इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से बिहार से खुलने वाली लंबी दूरी की तमाम ट्रेनों में स्थानीय स्तर पर प्रचलित भोजन व नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर बिहार की ओर से खुलने वाली अधिकांश ट्रेनों में IRCTC की ओर से सुबह के नाश्ते में चूड़ा दही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मध्य बिहार व दक्षिण बिहार के क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों में लिट्टी चोखा व देहाती चिकन भी उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। यात्री अपनी इच्छा के मुताबिक पैंट्री कार से भोजन ले सकेंगे। इस संबंध में IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि बिहार से खुलने वाली ट्रेनों के पैंट्री कार में बिहारी भोजन का नाश्ता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। पैंट्री कार से यात्रियों को लिट्टी चोखा, लिट्टी व देहाती चिकन परोसा जाएगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर के साथ ही सीतामढ़ी से खुलने वाली ट्रेनों में यात्रियों के लिए दही चूड़ा परोसा जाएगा। नाश्ते में यात्रियों को लिट्टी व घुगनी का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। यात्रियों की ओर से चना दाल भरी पूड़ी व हरी सब्जी की मांग की जा रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब यात्रियों को दाल पूड़ी सब्जी, मछली के साथ जीरा राइस, चूड़ा के साथ साथ मूंग दाल की घुगनी भी परोसी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के यात्रियों का पसंदीदा भोजन सत्तू पराठा और दही और अचार है। हर शनिवार को खिचड़ी के साथ दही व पापड़ भी परोसा जाएगा। इसके साथ ही पराठा के साथ साथ चिकन सरोती व उसना चावल भी परोसा जाएगा। IRCTC की ओर से इन व्यंजनों की सूची का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा वजन व क्वालिटी के हिसाब से कीमत की भी बात की जा रही है। प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलते ही सारी ट्रेनों में इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटी डेस्क।